फिलहाल उनके द्वारा जो है 151 रुपये यहाँ पे दिया गया है। और अभी हम लोग जो है इस दान पेटी में यहाँ पे डालने वाले हैं, ये देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम आ चुके हैं और आज दोस्तों आप लोगों को दर्शन कराएंगे, साथ ही एक ये जो कि लातेहार से हमारे राजा जी हैं, जो कि उनके द्वारा कुछ दान दिया गया है जो कि दान पेटी में देने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। और किस प्रकार अभी जलार्पण कुछ होता है वो दिखाएंगे। और आज सोमवार का दिन है, यानी कि कितना कुछ भीड़ होता है वो दिखाते हैं। चलिए चलिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। चैनल पर ये तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो सामने दोस्तों, सबसे पहले आप बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए और हर हर महादेव आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बीच प्रांगण में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आज सोमवार के दिन में जो है भीड़ है, जो कि कुछ इस प्रकार श्रद्धालु पहुँच रहे अभी और छठ पूजा तक ऐसे ही भीड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरा प्रांगण में जो है श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। और सामने इधर जो है यहाँ पे चंद्रकूप है, जो कि जल वगैरह कांवरिया यहीं से लेते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर जाते हैं जलार्पण करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बीच प्रांगण में और यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार जो है सभी लोग दर्शन पूजा करके और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह दिखा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाते हैं कैसे कुछ जो है यहाँ पे होता है सब कुछ। ये देख सकते हैं सभी लोग जो है यहाँ पे मंदिर के सामने जो है किस तरह यहाँ पे जो है सभी लोग प्रणाम वगैरह कर रहे हैं और आरती वगैरह दिखा रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं बहुत सारा पुलिसकर्मी भी आज आए हैं। और ये देखिए बीच प्रांगण में जो है किस प्रकार यहाँ पे दिया जलाए गए हैं आज। और दीपावली में जो है काफ़ी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में आप लोग को जो है अच्छे अच्छे वीडियो जो है ब्लॉग आने वाला है, आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग जो है सब स्टॉल पर आपको जो है चढ़ाने का प्रसाद वगैरह अगरबत्ती वगैरह सब कुछ जो है अवेलेबल है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और सामने जो है इधर लाइन देख सकते हैं किस तरह अभी जो है लाइन लग रहा है, पूरा देख सकते हैं पूरा लाइन जो है आज भी भरा हुआ है कांवरियों से। और ये सामने आप देख सकते हैं ये पूरा ओवर ब्रिज का दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार है, पूरा जो है आज भी भर चुका है कांवरियों से। और देख सकते हैं ये पूरा नॉर्मल लाइन और वीआईपी लाइन दोनों आके जो है इसी में मिलता है। आप लोग अगर वीआईपी लाइन से आएंगे तो आपको जो है अभी 250 रुपये लगेगा उनका जो है प्राइस। ठीक है, और जनरल लाइन में जो है काफ़ी भीड़ रहता है, इसी कारण आपको उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग जैसे आपको अच्छा हो उसके अनुसार आप लोग अपना निर्णय ले। ठीक है, देख सकते हैं पूरा ये संस्कार भवन जो है पूरा भरा हुआ है, जो कि ऊपर से दोनों फ्लोर में घूमना पड़ता है और लाइन जो है अभी क्यू कॉम्प्लेक्स से लगना पड़ रहा है, तो काफ़ी समय जो है अभी लग जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो है अपने अनुसार जैसा आपको अच्छा हो उसके अनुसार आप लोग आएँ। ठीक है, ये देखिए पूरा बाहर जाने का रास्ता है जो कि पश्चिम गेट, और इसके ऊपर में जो है पूरा नॉर्मल लाइन का भीड़ है। और अब चलिए चलते हैं हम लोग दान पेटी में दान देने के लिए। चलिए आ चुके हैं दान पेटी के सामने और अभी हम लोग जो है जो भी उनका शुल्क दिया गया है वो यहाँ पे हम लोग दान करते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं। फिलहाल उनके द्वारा जो है 151 रुपये यहाँ पे दिया गया है और अभी हम लोग जो है इस दान पेटी में यहाँ पे डालने वाले हैं, ये देख सकते हैं। चलिए हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। तो अभी दोस्तों जो भी राजा द्वारा दिया गया था लातेहार से वो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं और उनके द्वारा जो है दान पेटी में अभी हम लोगों ने दान कर दिया 151 रुपये। और कैसा लगा आप लोग का आज का ये वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम का तो हमारे पेज को और चैनल को जो दोनों सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। चलिए धन्यवाद।